हमीरपुर नगर परिषद में चुनावों के लिए नामांकन भरने के पहले दिन उम्मीदवारों ने एसडीएम कार्यालय में आकर नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंचे हैं। हमीरपुर के वार्ड नंबर 7 से आजाद उम्मीदवार अनमोल कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। एसडीएम डॉक्टर चिरंजीलाल चौहान के पास अनमोल ने अपने समर्थकों संग नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र भरने के लिए कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक एसडीएम कार्यालय में पूरी व्यवस्था की गई थी और कार्यालय में आने से पहले गेट पर नाम व पता के बाद थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। अनमोल कुमार ने नामांकन पत्र भरने के बाद बातचीत करते हुए बताया कि वार्ड नंबर 7 से नामांकन पत्र भरा है। उन्होंने कहा कि अपने वार्ड को आदर्श बनाना ही एक सपना है। उन्होंने कहा कि आज तक पूर्व में रह रहे पार्षदों ने अपने लिए ही काम किया है और वार्ड में विकास नहीं करवाया। उन्होंने बताया कि डीसी कार्यालय के सामने वाले मोहल्ले में सीवरेज तक नहीं बिछवाई है। उन्होंने कहा कि पुराने पार्षदों ने सीवरेज के नाम पर आश्वासन ही दिए हैं और कोई काम नहीं हुआ है। वहीं वार्ड में रास्तों की हालत भी दयनीय है, जिससे लोग भी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि अपने वार्ड नंबर 7 वार्ड को मिसाल कायम करने वाला वार्ड बनाएंगे। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। आज मैंने अपना नामांकन वार्ड नंबर 7 से, मेरा नाम अनमोल कुमार है, वार्ड नंबर 7 से मैंने अपना नामांकन भरा है। तो काफ़ी उत्साह के साथ लोगों ने मुझे यहाँ इलेक्शन के लिए, कैंपेन के लिए मुझे भेजा है। मेरा एक ही सपना है अपने वार्ड के लिए कि इसको हमने एक आदर्श वार्ड बनाना है, एक ऐसा वार्ड बनाना है जिसमें कि आज तक के रहे पूर्व में जितने भी पार्षद रहे हैं, जिन्होंने मतलब सिर्फ अपने घर की सड़कें ही पक्की करवाई हैं, ना कोई डेवलपमेंट का ऐसा कोई काम किया है जिसका कि वो लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमारे वार्ड में आपको बताएं कि सबसे बड़ी समस्या, तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि हमारे वार्ड के बिल्कुल जो डीसी ऑफिस के सामने एक ऐसा मोहल्ला है जिसमें आज तक भी सीवरेज का कोई भी प्रावधान नहीं है। बस जब भी लोगों के बीच में जो पुराने पार्षद गए हैं, बस यही कहते हैं कि हम इसके लिए पैसा लाए हैं, पैसा लाएंगे, लेकिन आज तक इसमें ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 7 नीचे हाउसिंग बोर्ड में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो जितने भी हमारे पहले के पार्षद हैं, उन्होंने अपने घर के आगे सड़कें बनाई हैं, लेकिन सड़कों की जाके दयनीय हालत देखेंगे तो इतना बुरा हाल है कि मतलब वहाँ पर चलना भी, गाड़ियाँ तो दूर आदमी का पैदल चलना बहुत मुश्किल है। तो मेरा एक ही सपना है, मैं इस वार्ड में इसलिए उतरा हूँ कि हमने इस वार्ड को एक ऐसा वार्ड बनाना है जो एक पूरे शहर में एक मिसाल पैदा हो, उससे एक ऐसी मिसाल पैदा हो कि बाकी लगे कि ये कुछ इस वार्ड में कोई काम हुआ है।